हरे कृष्णा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन। सो आज के वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी का विंटर श्रृंगार करने जा रही हूं। आपने सभी देवी देवताओं का श्रृंगार देख लिया होगा, तो अब रहे हमारे लड्डू गोपाल, उनका श्रृंगार करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, फिर मंदिर का भी मैं लुक दूंगी कि विंटर में मंदिर का लुक कैसा लग रहा है सभी देवी देवताओं के मैचिंग ड्रेसेस में। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये रही हमारी चौकी, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए, इस पे हम लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे। अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने चंदन टीका उनका ड्रेस पहना दिया है, उनको एक ब्लैंकेट ओढ़ाया है ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और अब हम उन्हें सीधे स्वेटर पहनाएंगे, स्वेटर वाली उनकी जो ड्रेस है वो पहनाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इनके ब्लैंकेट को इनके आसन पे रख देती हूँ, इन्हें इससे इन्हें ठंड नहीं लगेगी। इस प्रकार है, ये ब्लैंकेट भी काफी प्यारा है, इसमें डिफरेंट कलर के टैसल्स लगे हुए हैं एंड ये डबल साइडेड रिवर्सिबल है दो कलर में। लड्डू गोपाल जी को धारण करना है टोपी, इसलिए मैंने उन्हें केश नहीं धारण कराए हैं। ये रहे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, नीचे उन्होंने स्वेटर वाला पिजामा पहना है, आप देखिए। तो अब सिर्फ फटाफट इन्हें स्वेटर पहनाते हैं ज्यादा बातें किए बिना। ये ड्रेस आपने विंटर कलेक्शन काना जी क्या देखा होगा उसमें था। तो ये रही उनकी शर्ट, काना के विंटर कलेक्शन जो वीडियो है उसमें सारे स्वेटर्स है, काफी प्यारे प्यारे हैं, जरूर चेकआउट कीजिए। मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें सारे ड्रेसेस है, क्यूट क्यूट पॉन्चू है, पिजामा है, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस है। ये मैंने ढीला सा ऐसे टाई कर दिया है और नीचे भी ये ड्रेस काफी लाइट है और बहुत प्यारा है, तो इससे इन्हें तकलीफ नहीं होगी कोई भी। ये रहा इनका स्कर्ट, इसको हम इस तरीके से पहनाएंगे, टैसल्स है आगे, उससे टाई कर देंगे। ये टैसल्स ड्रेस के लुक को और एनहेंस कर देता है। तो आप भी स्वेटर बनाए तो कुछ बांधने वाला बनाए तो आगे में ऐसे टैसल्स या पॉम पॉम लगा दें। ये रहे लड्डू गोपाल जी, अब इनकी छोटी सी मोतियों की माला है जो बिल्कुल भी हैवी नहीं है और ये इसमें स्टोन नहीं है तो ठंड नहीं लगेगी। और ये जो पार्ट है इसको थोड़ा पीछे रखेंगे जिससे इनके गले में टच ना हो, अदरवाइज इन्हें ठंड लगेगी। केश धारण नहीं कराए हैं, मैंने पहले ही बताया था। अब इनकी टोपी ऐसी है, इसमें एक फ्लावर लगा है और एक पॉम पॉम है, तो ये पहना देंगे कुछ इस तरीके से। अब हो गए हमारे नन्हे काना रेडी अच्छे से, इनके इयररिंग्स फिर से सेट कर देती हूँ, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इन्हें मंदिर में विराजित करेंगे, पूजा होगी और फिर मैं दूंगी मंदिर का स्पेशल लुक, कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी और बाकी सभी देवी देवताएं मैचिंग ड्रेस में। तो जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो विदाउट मिस। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।